लिक्विड ऑक्सीजन को एज ए ऑक्सीडाइजर स्पेस रॉकेट में यूज करते हैं। इस ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन इथाइलिन ऑक्सीजन एसाइटिलिन फ्लेम में यूज होता है, जो कि वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मटेरियल में यूज में किया जाता है। और जो O3 जो है ना पेल ब्लू गैस है, D2 और आपका H2O2 जो था ना पेल ब्लू कलर उसका भी था, हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी और ऑक्सीजन का भी पेल ब्लू गैस है। 55 डेसिमल होता है। वेपर डेंसिटी 24 होता है, मतलब एयर से ज़्यादा हेवियर हो गया कि उसकी वेपर डेंसिटी 14 होती है। ये न्यूट्रल नेचर का होता है, ना एसिडिक है ना बेसिक, न्यूट्रल है। एलोट्रोप ऑक्सीजन है, अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रिवेंट करता है अर्थ रीच करने से, स्टरलाइजिंग वाटर की तरह यूज होता है जर्मिनीसाइड और डिसइंफेक्टेंट में। सिल्क एंड सिंथेटिक कैम्फर को बनाने में यूज होता है। टेम्पररी हार्डनेस के लिए नॉर्मल बॉयलिंग या क्लार्क मेथड से रिमूव कर सकते हैं, और परमानेंट हार्डनेस के लिए सोडा एस Na2CO3 प्रोसेस को यूज़ करते हैं। परमानेंट हार्डनेस को हम परम्यूटेड प्रोसेस से भी कर सकते हैं। क्लार्क प्रोसेस किसके लिए? टेम्पररी हार्डनेस के लिए। परम्यूटेड प्रोसेस परमानेंट हार्डनेस के लिए। नॉर्मली आइस में क्या होता है, H2O4 अगर H2O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से टेट्राहेड्रल फैशन में होता है, और ये ओपन स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे स्पेस खाली रह जाते हैं, इसके कारण आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है। तो होता क्या है, डेंसिटी इसकी कम है तो 0 डिग्री सेल्सियस में आइस मेल्ट होता है, मतलब वाटर में जब कन्वर्ट होता है तो मॉलिक्यूल नज़दीक नज़दीक आते हैं, तो इसके कारण डेंसिटी बढ़ जाती है। पर क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है, मतलब बहुत नज़दीक आ रहा है तो टकरा गए तो वो फिर एक दूसरे से दूर भागने लगते, तो इसके कारण डेंसिटी फिर घटना शुरू हो जाता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर।